बस आज हम बनाने जा रहे हैं रिबन का एक बहुत सुंदर फ्लावर, जो भी बनाने में बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब के लिए पहले हम देख लेते हैं। एक हमें साटन के रिबन की ज़रूरत पड़ेगी, दो कलर के, जो बहुत सुंदर और बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। फिर हमें पड़ेगी इंची टेप की ज़रूरत, फिर हमें पड़ेगी निडल और धागे की ज़रूरत, फिर हमें इसे सजाने के लिए पॉम पॉम की भी ज़रूरत। पॉम पॉम से भी हम सजा सकते हैं, हम नगों से भी सजा सकते हैं, हम इन्हें इस तरीके के नगों से भी सजा सकते हैं। फिर हमें पड़ेगी ग्लूगन की ज़रूरत, जो चिपकाने में हमें काम आता है, और हमें कैची की। अब हम स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट। हम सबसे पहले रिबन के दो स्ट्रिप काटेंगे, जो कि 5 इंच के होते हैं, देखिए, ठीक है। फिर इनको हम हल्का हल्का जला लेते हैं, जिससे कि ये धागा ना निकले। इस तरीके के हमें ये 6 स्ट्रिप काटनी है जोड़े के साथ। अब इनका ब्लू वाला हिस्से का, मैं ब्लू फूल बना रही हूँ, इसलिए हमें भी ब्लू वाला हिस्सा ऊपर रखना है और दोनों साइड चमक वाला हिस्सा ऊपर रखना है। और क्या करना है, देखिए, इसे इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए इस तरीके से पत्ती, एक बार फिर देखिए, ये चमक वाला हिस्सा ऊपर रखना है दोनों साइड, और ऐसे पकड़ना है, और ये ऐसे, ठीक है। अब इसे हमें नीडल की सहायता से जोड़ देना है, और एक जस्ट बीच में यहां, फिर एक बार यहां, ये इस तरीके से पत्ती अपनी शेप ले लेगी। इस तरीके से हमने ये पत्तियां तैयार कर रखी हैं, देखिए। ये हम 6 का फूल बना रहे हैं, इसलिए ये हमने तैयार कर रखी है। अब इन्हें हम जोड़ेंगे ग्लूगन की सहायता से। देखिए इसमें यहां लगाना है, ये यहां, और इसे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, देखिए। अब जब ये इतना बन जाता है, फिर उसको हम इसकी ग्लूगन की सहायता से ये पहली वाली पत्ती को इसके अंदर ऐसे लगा देते हैं, और ये हमारा फूल इस तरीके से बन जाता है। अब इसे हम चाहे पॉम पॉम की सहायता से जोड़ सकते हैं, चाहे हम इसमें यहाँ लगा सकते हैं, ये हमें इसमें पॉम पॉम सुंदर लगता है, इसलिए हम इसे पहले तो ठीक है, अब इसे हम इसकी सहायता से ये, अब इसे हम सजाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं।
अब ये मेरा फूल रेडी है और इसे हम किसी भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर के रिबन से हम बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने देखे ये बना के रखे हैं, एक ये है मल्टी कलर में, ये ब्लू और येलो कलर में, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर में बना सकते हैं। आपको ये फूल पसंद आया हो तो जरूर मेरे को कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से आगे भी मैं वीडियो डालती रहूंगी, प्लीज मेरे वीडियो को भी देखिए और थैंक यू।